सरकार बनने के बाद 16 करोड़ रुपए की, कोई 50 लाख, कोई 1 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़ नहीं, लेकिन 16 करोड़ की 132 केवीए सबस्टेशन का शिलान्यास करने के लिए आपके समक्ष में पहुंचा हूं। जिस प्रदेश सरकार ने 15 साल इस क्षेत्र में विकास और प्रगति के द्वार खोलने के बजाय द्वार बंद करके छोड़ दिए थे, विकास और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करके छोड़ दिया था। मुझे याद है जब केंद्र सरकार में मैं मंत्री था, उस समय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत करेरा और नरवर के एक एक गांव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत आपके एक एक घर में ज्योति का प्रकाश लाने की कोशिश मैंने अपने हाथों से की थी, और जो कमी रह गई थी, आज जो 132 केवीए का सबस्टेशन का शिलान्यास हमने किया है, 75 गांव इससे लाभान्वित होंगे, 75 गांव समूचे क्षेत्र में लाभान्वित होंगे, और 75 गांव से अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, 90,000 मेरे अन्नदाता इससे लाभान्वित होंगे। जो किसान के लिए खेती की कठिनाई होती थी, समय में पानी नहीं मिलता था, भाजपा के सरकार के समय में दिन भर होती थी बुआई और रात भर उठकर आपको करनी पड़ती थी सिंचाई। अब ये 132 केवीए का सबस्टेशन रहेगा तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब आप मांगोगे बिजली आपको मिल पाएगी, ताकि सिंचाई ठीक रूप से हो। करीब एक माह पहले जसवंत ने जो सिंचाई डिवीजन को करेरा नरवर शिवपुरी से उठाकर मध्य प्रदेश के अलग क्षेत्र में ले जाने का काम याद हो रहा था, उस विषय पर मेरे साथ चर्चा हुई। मैंने उसी समय में सिंचाई मंत्री जी से बात करके निवेदन किया कि जो सिंचाई का डिवीजन मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा नरवर और करेरा में स्थापित हुआ है, वो यहां से हटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा, और आज घोषणा हो चुकी है कि वो सिंचाई की डिवीजन शिवपुरी में ही रहेगी और लोगों की रोजगारी की बचत हो पाएगी। इस क्षेत्र में सदैव विकास प्रगति परिवार ने रखा है, चाहे नरवर दुर्ग की जीर्णोद्धार की बात हो। मुझे याद है 20-25 साल पहले मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ आया था और शष्टांग देवी के समक्ष दंडवत हम दोनों ने मिलकर की थी, असल देवी के यहां। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बार हम लोग नरवर आएंगे तो आप और हम मिलके किले तक ऊपर तक चल के जाएंगे और दर्शन करने जाएंगे। ये हमारी धरोहर है ये किला, और इस धरोहर को निखार के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और एक और खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूं, इस संभाग में चंदेरी मेरी प्राचीन नगरी है, जहां हस्तशिल्प के साथ प्राचीनता का निखार है, जिसके लिए पिछले 17 साल से मैंने तपस्या करके विकास वहां लाया है। मेरी कोशिश थी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, विश्व के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा चंदेरी की पहचान हो, और आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा वो चंदेरी को यूनेस्को का टैग, सर्वराष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का टैग देने का प्रस्ताव विदेश में भेजा गया है, ताकि चंदेरी का वो मान सम्मान हो। और मेरा तो यही सपना है
कि जो चंदेरी का मान सम्मान हमने बनाया है वैसे ही नरवर और कलेरा का मान सम्मान आने वाले भविष्य में हमें बनाना होगा। आपके समीप शिवपुरी में एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने लगवाया है 130 करोड़ का। शिवपुरी में 190 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज मैंने लगवाया है ताकि जो डॉक्टरों की कमी है अगले आने वाले एक साल के अंदर करेरा नरवर पूरे शिवपुरी जिले में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी उस इंजीनियर उस मेडिकल कॉलेज के द्वारा। 500 बिस्तरों का मेडिकल का अस्पताल लग रहा है। मेरी कोशिश है कि जो सड़कों का अभाव करेरा और नरवर को लगा था जसवंत को कह के मैंने कहा है कि एक एक सड़क जिस पे आपको दचके लगते थे वो एक एक सड़क अब सरकार के कार्यकाल में मखमल की तरह बननी चाहिए ताकि जनता को कठिनाई ना हो। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने यहां नवोदयालय लगवाया था, सिंचाई के साधन लगवाए थे, चाहे मोनी सागर बांध हो, आरबीसी कैनाल हो, दुआब कैनाल हो, समोआ बांध हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये योद्धा आपका, ये सैनिक आपका विकास और प्रगति का एक नया द्वार संभाग के लिए खोल के रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सब स्टेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा करेरा नरवर। चलेंगे कमी जगह गांधी जी को लेकर देश में बवाल मचा है। आज आप आए हैं बवाल किस बात नहीं, नहीं ये शब्द मत इस्तेमाल करिए बवाल मचा है क्योंकि जो घटना हुई है उससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। बवाल की बात नहीं है, ये भारतीय नागरिक होने के नाते आपके अंतरात्मा में एक जो भावना होती है अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे ये तो भारत की जुनून की बात हो गई ना, ये तो कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं हुई, पत्रकारों की बात नहीं हुई, नेताओं की बात नहीं हुई, ये तो हर इंसान की बात हो गई। जितना भी आप निंदा करोगे वो कम है। जिस व्यक्ति ने हमारे बापू हमारे राष्ट्रपिता का कत्ल किया उस व्यक्ति को कहना कि देशभक्त, और ये केवल पहली बार नहीं हुई है। जब मैं संसद में था पिछले शासन में 2014 में उस समय भी बीजेपी के एक सांसद ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था, फिर मैंने ही उठ के उनसे निवेदन किया कि उनको माफी मांगना चाहिए और फिर सदन स्थगित हुआ और अगले दिन सरकार के द्वारा उनको कहा गया कि माफी मांगी जाए। तो ये एक प्रवृत्ति बन चुकी है भाई, ये पहली बार हम समझ सकते हैं कि कोई अगर कोई व्यक्ति पहली बार कोई गलती करे, पर पिछले बार दूसरे सांसद ने किया, इस बार कोई और दूसरे सांसद बीजेपी ने किया। तो क्या लगता है बीजेपी दोहरी नीति अपना रही है, एक तरफ गांधी के विचारों को फैलने की बात करती है, उनके सांसद इस तरह की बात, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, आप ही मुझे बताइए। जो अनुशासन की पार्ट की बात करते हैं स्वतः ही अनुशासनहीनता करते हैं, अपने दल के प्रति नहीं, अपने नेताओं के प्रति नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता के प्रति, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्या हो सकती है। चलिए, थैंक यू। ग्वालियर को क्यों केंद्र बना रखा है उन्होंने, ग्वालियर को बदनाम कर रहे हैं, गोडसे की पूजा यहाँ पर होती है, हिंदू महासभा की पूजा हो रही है, केवल ग्वालियर। ये मैंने पिछले बार भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने हमारे राष्ट्रपिता का कत्ल किया हो मैं तो कहूँ कि उनका नाम भी लेना उचित नहीं होगा, और तो और छोड़ दीजिए आप,
महाराज साहब पीसीसी चीफ को लेकर भी देरी हो रही है। चल 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 छोड़ो। Thank you.